हेलो फ्रेंड्स, खम्बा गणिसा, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े वाली कढ़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें मैंने बहुत सारे टिप्स यूज़ किए हैं और पकोड़ी आपकी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। मैं इसमें आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि पकोड़े कैसे सॉफ्ट बनेंगे, तो आप वीडियो देखते रहिएगा। इसमें मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप बेसन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक और थोड़ी हींग डालनी है। उसके बाद हमें पेस्ट बनाने के लिए छाछ डाल लेनी है। यहाँ पे मैंने छाछ डाली है। अगर आप दही यूज करना चाहते हैं तो दही भी डाल सकते हैं। अगर आप छाछ डाल रहे हैं तो छाछ ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और पानी नहीं डालना है। उसके बाद इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। और इधर मैंने 2 हरी मिर्चियों को बारीक चॉप कर लिया है, 10 से 12 कली लहसुनों को थोड़ा दरदरा कूट लेना है, पेस्ट नहीं बनाना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 1 चम्मच दाना मेथी। और उसके बाद जो हमने 2 हरी मिर्च चॉप की थी उनको डाल लेंगे और कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। इनको अच्छे से पका लेना है। इनको पकने के बाद जो हमने कढ़ी का पेस्ट बनाया था उसको इसमें डाल लेंगे और डाल चलाते हुए पकाना है ताकि ये फटे नहीं। और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए तब तक इसको ऐसे ही चलाते जाना है। और ये कढ़ी में उबाल आ चुका है, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। और उबाल आने के बाद जो हमने लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देना है इसमें। उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक इसके झाग ख़त्म नहीं हो जाते तब तक इसको पकने देना है। और अब हम तैयार करेंगे पकोड़े का बैटर। तो इसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है और 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हींग और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। इसके अलावा हमें इसमें और कोई भी मसाला नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेना है। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अब मैं आपको सॉफ्ट और फूले हुए पकोड़े बनाने की ट्रिक बताती हूँ। तो अब हमने पकोड़े बैटर को 5 से 6 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए चलाना है ताकि इस बैटर में एयर बने और इससे पकोड़े बेहद ही सॉफ्ट और फूले हुए बनते हैं। तो ये मेरा बैटर तैयार है और इधर मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे। अगर आपको बड़े पकोड़े चाहिए कढ़ी में तो आप बड़े पकोड़े भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल छोटे पकोड़े बनाए हैं। इसी तरीके से सारे पकोड़े बना लेने हैं। अगर आपको पकोड़ों में प्याज, हरी मिर्च या फिर पालक डाल के बनाना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पकोड़े बनाए हैं और ये पकोड़े बन चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। उसके बाद हम जो बचा हुआ बैटर है उसके भी इसी तरीके से और पकोड़े बना लेंगे। और अब इधर ये हमारी कढ़ी पक चुकी है, गैस को बंद कर देना है। उसके बाद ही पकोड़े डालने हैं, कढ़ी के साथ पकोड़े उबालने नहीं है क्योंकि ये टाइट हो जाते हैं। तो अब हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को रोस्ट करके और इसको हाथ से मसल के डाल दिया है। अब हमें कढ़ी के लिए तड़का तैयार करना है। उसके लिए ऑयल गरम कर लिया है, 2 से 3 तेज पत्ते डालेंगे, 4 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे और थोड़ा सा साबुत धनिया, उसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। और उसको पकने के बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने कढ़ी में बिल्कुल थोड़ी ही मिर्च डाली थी। तो ये तड़का हमारा तैयार है, अब हम कढ़ी में इसको डाल देंगे। तो तैयार है हमारी स्पेशल राजस्थानी कढ़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरे बताए हुए तरीके से पकोड़ा कढ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद फिर कमेंट करें। मिलते हैं अगली रेसिपी लेके। खम्बा गणिसा, बाय बाय।